और असद अपने साथ में कौन जा रहा है? मेरे दादा, प्यारे प्यारे दादा, हम तो खाएंगे दादा साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब? आई होप कि आप सारे के सारे मजे में होंगे, खैर से होंगे। तो गाइस नहा के तैयार हो चुके हैं और अभी स्टेडियम में आ चुके हैं। कोई भी नहीं है, एक लड़का बैठा है वहाँ पर, देखो गाने वाने सुन रहा है। और गाइस बहुत जल्दी ही बहुत धूप निकल चुकी है, मतलब 9:30-10 के आसपास का टाइम हो रहा है और धूप देखो बहुत खतरनाक तरीके की धूप है, बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। और गाइस दुकान वकान तो खोल चुके हैं और एक भाई से पैसे लेना थे मुझे यहाँ पर, जैसा कि मैं अधिकतर आता हूँ, इधर एक बस्ती है देखो, तो वहाँ जाता हूँ मैं पैसे लेने के लिए। तो अभी लेके आया हूँ, कुछ पैसे थे मतलब 5,000 रुपये। और आज खरगोन जा रहे हैं फैमिली के साथ में, बच्चे भी जाएंगे, वाइफ भी जाएंगे साथ में। क्या है कि कुछ सामान लेना था मुझे भी और वाइफ को भी कुछ सामान लेना है सिलाई मशीन का, और मुझे तो ट्यूब व्यूब लेना है साइकिलों के, मोटरसाइकिलों के। एंड गाइस कम से कम 1 साल या 1.5 साल पहले हमने होटल में खाना खाया था, बड़ी होटल में, मतलब गोपाल होटल जो है खरगोन में, वहाँ पर खाना खाया था। और उसके बाद से हम होटल में खाना खाने गए नहीं फैमिली के साथ। बच्चे बोलते रहते हैं कि पापा होटल में, बड़ी होटल में चलो खाना खाने के लिए, जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वहाँ पर। हम क्या है कि पिछले साल जब हम होटल में गए थे उसके बाद में ना बीमार पड़ गए थे, मैं भी बीमार पड़ गया था, वाइफ भी बीमार पड़ गए थे। तो हमने जब से होटल में, बड़ी होटल में खाना नहीं खाया है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं होटल में जाते हैं तो अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। तो आज हम वही प्लान बना रहे हैं और आज हम जाएंगे होटल में और अच्छे से खाना खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। अब होटल कौन से होटल में जाना है तो वहाँ जाके पता चलेगा, अभी कुछ हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन से होटल में जाएंगे। और आज के जो खाने के जो पैसे हैं वो है ना वाइफ देंगे। वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी करते हैं, मैं उनको नहीं बोल देता हूँ, क्या है कि अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। तो आज वो बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से मतलब कि खाना खाएंगे, ठीक है उनकी भी बात रख लेते हैं। पर जाते हैं, बच्चे तैयार व्यार हो रहे होंगे, उसके बाद निकलेंगे हम, कम से कम 2 बजे के आसपास निकलेंगे। अभी तो टाइम 10-11 बजे के आसपास का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा व्यू मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। बहुत खतरनाक तरीके की धूप निकली है, एक भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सब अपने अपने घरों में हैं, सब अपने अपने काम से जा चुके हैं। एक लड़का है यहाँ पर, हो रहा इनका नाम आजम है, इनके पास जाता हूँ। हाँ भाई आजम, क्या हाल है? किधर आना हो गया? इधर और गाने वाने सुन रहा था, है ना? तो गाइस इसका नाम आजम है और यहाँ पर तन्हाई में बैठा था, ये अकेला वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि चलो इससे बातचीत करते हैं। सब ठीक है ना? तो गाइस मेरी बाइक उस साइड में लगी है, नहीं नहीं उस साइड में नहीं, इधर लगी है, इधर छाव में लगाई है मैंने। और ये स्टेडियम देखो पूरा ख़राब हो चुका है, इतने सारे पैसों का नुकसान हुआ सरकार का। क्यों आजम, बहुत नुकसान हुआ यार, लाखों करोड़ों में बना होगा ये, और कोई मतलब का नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना खेल कूद होता है ना कुछ होता है, बच्चे भी बहुत कम आते हैं क्योंकि दूर है ना गांव से, इसलिए सभी दरवाजे वरवाजे भी लोग ले भगे तोड़ तोड़ा के, इधर के भी अंदर भी बहुत गंदगी है। ठीक है आजम चलो यार, मैं ना यहीं बैठेगा तू। ये रही बाइक दो, सनाया साहब आप तैयार नहीं हुए? बड़ी होटल में लेके जाना, 3 बजे जाएंगे, बहुत बड़ी होटल में हम तो बर्गर हम तो खुद से अभी खाएंगे। ये तो मैं ज्यादा खाएंगे, पूछना मैं 1 नंबर। तैयार हो जल्दी। और गाइस अभी नाश्ता बन रहा है, ये देखो खाने में खाना नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नाश्ता बना रहे हैं, वो भी पोहे बना रहे हैं। चलो मैं खाऊंगा पोहे, मजा आ जाएगा। क्या है कि अगर खाना खाएंगे ना तो खाना नहीं खवाएगा, फिर नुकसान होता है वहाँ पर। खरगोन में इसका खाएंगे तो वही क्या। अब ऐसे कर हम अपन वाली कौन सी नाम कौन सा होटल है, गोपाल होटल में गए थे। हाँ, एक बार गए थे। हाँ, कितने सारे बीमार, एक एक करके पहले ये हुआ, फिर मैं हुई, फिर वो हुई, फिर मम्मी फिर से हुआ। आप लोग नहीं हुए थे, सिर्फ मम्मी हुए थे और मैं हुआ, सनाया भी हो गई थी ना। तो गाइस बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही पोएगी। गाइस देखो कितनी चीटें हो रखी है यहाँ पर। एक काम कर सनाया, थोड़ा सा आटा डाल दे उनको, आटा। हाँ वो चले जाएगी। हाँ लो गाइस, हमारे यहाँ पर चीटियाँ बहुत हो रही है, वो भी लाल चीटियाँ, पता नहीं क्यों हो रही है। तो सनाया ने क्या किया है कि
आटा डाल दिया है थोड़ा सा, जिसकी वजह से चींटियाँ भी कम हो रही है। सनाया ने यहाँ सब जगह आटा छिड़क दिया है, देखो इधर भी। पोहे कैसे बने? बहुत बुरे। हाँ अच्छे बने। पापा, जाएंगे अभी। एक काम करते हैं कि रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं इसमें, है ना सर? कोई भी तो आएगा उसको पानी पिलाएंगे और बच्चे भी पी लेंगे। इसमें रूह अफ़ज़ा डालो, रोज़ डालना है ना आप लोगों को, है ना? ये अपना काम है। और इसी से भी लेके आना, आज ये ख़त्म हो जाएगा। डालो 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 डालो, सब जगह डालो। हाँ बस वो डालो जरा, ऐसा करके अच्छे से मिला दो। तो भाई ये मिला दिया है, पानी लाल भी हो चुका है अभी थोड़ा थोड़ा। लो आप भी पियो और एक गिलास मुझे भी दो। पी गाइस, पानी हम ऊपर से इसलिए पीते हैं ताकि गिलास को झूठा नहीं करते हैं, कोई भी दूसरा भी पीता है ना? ठीक है, मुझे भी दे यार एक गिलास और ले। गाइस हम लोग चश्मा भी बनाया है, सस्ता सा चश्मा बनाया है। और असद अपने साथ में कौन जा रहा है? मेरे दादा, प्यारे प्यारे दादा, हम तो खाएंगे दादा साथ। तो दादा हम सभी तैयार हो चुके हैं, साहिबा भी तैयार हो चुकी है, ये रही। और हमारे साथ में पापा भी जा रहे हैं। क्या है कि हम उनको बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन वो जाते नहीं है। लेकिन आज उनको हम तैयार कर रहे हैं ना बच्चों, तो उनको भी लेके जाएंगे। इसमें खरगोन आ चुका हूँ, दो रूह अफ़ज़ा लेके आया हूँ, ये देखो। और वाइफ कुछ कपड़े वपड़े ले जाए अंदर। भाई बहुत मस्ती कर रहे बच्चे, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं आपकी दुकान में। हाँ यार, दुकान का नाम दोस्तों ये धमाका है ना, धमाका सेल, धमाका सेल है। ये एक स्कार्फ है, एक ये दुपट्टा है, और एक ये स्कार्फ। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। पीछे होटल है कस्तूरी होटल, तो अभी खाना खा लेते। चलो बच्चों चलो, ये देखो ये रही होटल ऊपर है। चलो ऊपर ऊपर हाथ धो लो सभी जन। इतनी प्यारा सा व्यू यहाँ का। और ये सामने भी आपको दिखाता हूँ, नीचे की साइड में सड़क, नीचे बाइक लगी है हमारी। ये राधा वल्लभ मार्केट है। अच्छा लग रहा है। चलो हाथ धो ली, चलो वहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो गाइस खाना ऑर्डर किया है अभी हमने, लज्ज थाली बोलते हैं यहाँ पर। और लस्सी भी पियेंगे बच्चे। हाँ आ रहा खाना है गाइस। सामने कांच भी लगे देखो ये। फाइनली गाइस आ चुका है हमारा खाना, ये देखो, ये देखो इस तरीके से कुछ थाली है। इसमें क्या क्या है? चावल है, भिंडी की सब्ज़ी है, दाल है, और ये पता नहीं काय की सब्ज़ी है, शायद ये पनीर की सब्ज़ी है, एक गुलाब जामुन भी है, और ये सलाद है। हाँ ये कौन सी सब्ज़ी? चीज़ पनीर। तो गाइस रोटियां भी आ चुकी है, घी लगी हुई रोटियां हैं। लो पापा इधर रखो।
खाओ, है ना, खाओ खा सुना साहबा तो ना गुलाब जामुन खाएगी और ले लेंगे साहबा खाओ। खाने में खाना है बा और कही क्या गुलाब जामुन है लस्सी भी आएगी, पहले गुलाब जामुन खा लो। तो गाइस खाना हो चुका है हमारा, अभी लस्सी आई है, लस्सी पी लेते हैं। आ जाओ बच्चे लोग, लस्सी पी लो, लस्सी पी लो। तो गाइस ये आ चुकी है लस्सी, और भी आ रही है, तो अभी लस्सी पी लेते हैं। कौन नीचे मिलेगा, यहाँ पर नहीं है ना। अरे पेपर आधा आधा कर लिया। अच्छा नुकसान नहीं कर रहा है आज। तो बस खाना भी खा लिया, लस्सी पी ली, अभी पैसे देते हैं और जाते हैं, बच्चों को कौन भी खिलाना है। चलो चलो चलो, नहीं उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई है। नहीं डरती है, मैं तो बहुत डरती। चलो चलो चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कोण की दुकान पर। लो सर ये ठीक है। हाँ। नहीं मिली। ये क्या तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है और अभी कौन खाते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी दूर है हमारा गांव, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पापा थार। गाइस थार खड़ी पीछे। पापा चले चले बच्चों, और कहीं हो गया, पेड़ भरा गया। चलो चलो चलो, है ना, और ही अपनी बाइक, वो पापा की बाइक ही वहीं पर लगी है। चलो पापा चलो। तो फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं, काफ़ी थकान हो चुकी है क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं और अभी भी मुझे बहुत काम बाकी है, एडिटिंग करना है और वीडियो को अपलोड भी करना है क्योंकि कल सुबह 12 बजे वीडियो आएगा, कल भी मैंने वो लोग नहीं बनाया था। और पापा भी बहुत थक चुके हैं। पापा अच्छा लगा कि अच्छा लगा बच्चों आपको अच्छा थक गए। तो गाइस आपको मैं बात बताऊँ कि पापा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत कम होटल में खाना खाया है। जिंदगी में आज पहली बार खाना खाया है, मगर बहुत अच्छा लगा, लगा बहुत बड़ा एहसान रहा, बहुत बढ़िया लगा। मुसीबत इस कदर की थी कि क्या बताया, तुम्हारे को कैसे बड़े करे, कैसे पढ़ाया लिखाया, प्यार करा, क्या कमाने के काबिल करा तुम्हारे को, ठीक है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा है कि आज अच्छे हो गए, अच्छे कमाते खाते हो गए हैं। आपको ये कहना ये पड़ रहा है कि जब इनका टाइम था तो बड़ी मुश्किल से हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक एक रुपये इकट्ठे करके घर चलाते थे पापा, तो बहुत मुसीबत का दौर था, इसलिए इन्होंने पहली बार मतलब कि होटल में खाना खाया। हालांकि छोटी मोटे होटल में गए हैं लेकिन ये बड़ी होटल थी, तो पापा ने पहली बार ये होटल देखी है। तो गाइस अभी क्या करते हैं कि इस वीडियो का एंड करते हैं, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। अगर आपको